अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो किस चीज़ के बारे में है। तो आज मैं जिस चीज़ का आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ वो है स्किन डीप प्रोडक्ट्स के बारे में। मैंने इनका फेशियल किट मंगवाया था तकरीबन मई 2021 में, और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं, मुझे असर हुआ है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इनके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे पास आता है नरिशिंग ऑयल क्लेंजर। ये क्लेम करते हैं कि आप लोगों के जो डेड स्किन सेल्स हैं उसको रिमूव कर। ये जो है इनका नरिशिंग ऑयल क्लेंजर है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ यू है। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये आपके डेड स्किन सेल्स रिमूव करता है। दूसरे नंबर पे इनका जो आता है वो है ऑर्गेनिक रीजनरेटिंग क्लेंजर। ये एक वाहिद चीज़ थी पूरे किट में जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। मैं इनसे पूछूँगी, अगर पूरे किट के अलावा मुझे ये मिल सकता है तो मैं इनसे मंगवाऊँगी। तीसरे नंबर पे इनका आता है कोकोनट फेशियल स्क्रब, जो कि कुछ इस तरह से है। इन लोगों की एक बात मुझे बहुत बुरी लगी है, ये लोग क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से है। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे पूरा ऑयल है और ऊपर जो है तो इनका स्क्रब। ये भी ख़त्म हो गया है क्योंकि मैंने ये मई में मंगवाए थे, अभी चल रहा है जून का महीना। चौथे नंबर पे जो प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों ने यूज़ करना है आफ्टर योर फेशियल स्क्रब वो है टर्मेरिक स्किन पॉलिश, जो कि कुछ इस तरह से है। और ये भी ख़त्म हो चुका है, मैं इसको दोबारा मंगवाऊंगी या नहीं तो वो वीडियो के एंड में देखेंगे। फिफ्थ नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आती है वो है रोज़ फेशियल मास्क। वो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। मैंने पूरा इनको यूज़ किया है, मैं आप लोगों को रिव्यूज़ दूंगी इस वीडियो के आखिर में। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। ये कुछ इस तरह से है। सिक्स नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो है इनका टोनर। जब आप लोग फेशियल, आप लोग स्क्रब वगैरह कर लेंगे तो आप लोग जो है तो ये टोनर अप्लाई करेंगे। ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने टोनर के बाद जो चीज़ लगानी है वो है रोज़ फेशियल जेल। ये आप लोगों ने लगा लेना है। उसके बाद जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है वो है स्किन डीप का कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइटनिंग सीरम। ये आप लोगों ने स्किन पर लगा के छोड़ देना है। और ये जो है स्किन डीप का कॉफ़ी आई बाम, ये मुझे बहुत पसंद आया है इनका। ओके, तो अब बारी आती है हमारे पास रिव्यू की। आप लोगों के साथ मैंने सारी वीडियो शेयर कर ली, सारी प्रोडक्ट्स मैंने शेयर कर ली, कैसे यूज़ करना है, किसको पहले यूज़ करना है। अब बात आती है रिव्यू की, बात आती है मैं दोबारा ये चीज़ें मंगवाऊँगी नहीं मंगवाऊँगी, मेरा क्या इरादा है। तो मेरा तो इरादा है नो, बिग नो फ्रॉम माई साइड। और आप लोग अगर पूछना चाहेंगे कि मैं इसको दोबारा मंगवाऊंगी या नहीं तो नो, मैं दोबारा नहीं मंगवाऊंगी। मुझे इतने पिंपल्स आ गए थे, मुझे लगा कि शायद फर्स्ट टाइम है इसलिए मेरे पोर्स को कुछ हुआ होगा या कुछ। मैंने फिर भी इसको यूज़ किया, लेकिन जो इनमें से जो चीज़ें मुझे पसंद आई हैं, हाँ उसकी मैं तारीफ करूँगी जो तारीफ़ के काबिल है। इन लोगों का जो ऑर्गेनिक क्लेंज़र है ये मुझे मेकअप के लिए बहुत अच्छा, इसका फ़ायदा रिज़ल्ट मुझे मिला। लाइक मेकअप इससे बहुत अच्छा रिमूव होता है। और इन लोगों का जो टर्मेरिक स्किन पॉलिश है, ये जो इन लोगों की वजह से जो पिम्पल्स आ गए थे, बाकी प्रोडक्ट्स मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। 4-5 टाइम यूज़ करने के बाद जो निशान थे पिम्पल्स के वो इस चीज़ के साथ मेरे चले गए। अलबत्त बाकी इन प्रोडक्ट्स ने मेरे मुंह पे इनकी वजह से पिम्पल्स आ गए थे। हाँ टोनर भी इनका जो है तो मुझे अच्छा लगा था। बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आपकी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से तो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए 4/10 है। आप लोग मुझे बताएं कि मैं अपना नेक्स्ट रिव्यू किस चीज़ के बारे में करूं, और आप लोगों के पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप रिव्यू जानना चाहते हैं। मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं डॉक्टर रेशल के प्रोडक्ट्स के बारे में बनाऊंगी। मैंने वो मंगवाया हुआ है, जैसे ही मुझे पार्सल रिसीव हुआ मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।